और गाइस यहाँ पर कुछ बच्चे लोग यार गेम खेल रहे थे। मैं ये लोग के पास गया, बोला भाई प्लीज यार एक बार अपने खेल में शामिल कर लो, खेलने दो। लेकिन भाई ये लोग बोल रहे हैं तुम डाकू लग रहे हो देखने पर। नमस्कार देवी और सज्जनों, उनके छोटे और बड़े बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका एक और मस्त वीडियो में। तो गाइस तीन आज का ऐसा होने वाला है, हम लोग भाई रूम से निकल चुके हैं और चल रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बीच है और उस बीच का नाम है चाउकाट, ऐसे ही कुछ नाम है भाई। नाम तो उसका यार, यहाँ का नाम थोड़ा अजीब होता है, हम लोग को भाई बोलने में बहुत मुश्किल होता है और नाम लेने में। त्रिशूर से भाई 29 किलोमीटर है और हम लोग चल रहे हैं। हमारे साथ में भाई चलने वाले हैं, दोस्तों की लाइन लगी है भाई, बाकी हमारे हरी भाई, आप इनको भाई आज फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे क्योंकि हमारे साथ में पहली बार जा रहे हैं। और भाई सब ठीक? और साथ में राजन। और भाई फिलहाल तो उतना क्राउड नहीं लग रहा है क्योंकि धूप ज्यादा हो रहा है ना, और हम लोग समझ लो पूरा धूप इतना तेज है, धूप में आए हैं। और शाम को भाई यहाँ पर पूरा मेला लगता है, मेला बहुत ज्यादा आदमी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर तो दूर दूर तक भाई ज्यादा आदमी नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई हम तीन बंदे तो हैं, इतना काफी है हमारे लिए केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है और कुछ नहीं, जहाँ तक देखो पूरा पानी ही पानी। यहाँ तक आने में लगभग हमको भाई तीन बस चेंज करना पड़ा, लेकिन भाई और बता दूं आपको, आज भाई हमारा जो ट्रिप है ना बहुत ही मस्त जा रहा है। और वैसे तो भाई हमारे जो हरी भाई है वो इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा रील बनाते हैं, वो यहाँ पर आए पहले रील बनाना ही स्टार्ट कर दिए अपना। और भाई आप मेरे पीछे कितना अच्छा देखो, जानवर देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है भाई, और उसके जीभ पर मैं खड़ा हूँ, उसमें से एक छोटा उसका बच्चा देख रहा है, देखो ध्यान से, ये सबसे बड़ा वाला मेंढक है। और ये है दुनिया का सबसे छोटा बच्चा और सबसे क्यूट। और भाई हमारा पैर भाई तो पूरा गीला हो गया था, इसीलिए वहाँ पर एक पार्क था बच्चों का झूला झूलने के लिए, बाकी और सब एडवेंचर एक्टिविटीज वहाँ हो रहा था। वहाँ पर भाई हमने और हरी भाई ने बहुत भाई मजा किया। और अभी यहाँ पर आ गए हैं, थोड़ा पेड़ का छांव है और बहुत ही ठंडा हवा लग रहा है, बाकी इधर में बच्चे पूरा फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल तो बहुत मस्त लोकेशन पर हम लोग बैठे हैं भाई, पेड़ गिरा है उसके ऊपर ही बैठे हैं, ठंडा भी लग रहा है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर कुछ बच्चे लोग यार गेम खेल रहे थे, मैं ये लोग के पास गया, बोला भाई प्लीज यार एक बार अपने खेल में शामिल कर लो, खेलने दो। लेकिन भाई ये लोग बोल रहे हैं तुम डाकू लग रहे हो देखने पर। मैं बोला ठीक है भाई, डाकू लग रहा हूँ तो नहीं खेलूंगा और क्या। और हरी भाई को जोर बोल रहे हैं। गेम तो ट्राई किया, बच्चों ने तो पहले गुंडा बोल के खेलने नहीं दिया, लेकिन बाद में हम लोग वहाँ पर बैठे थे और हमको बोले भैया आप लोग बहुत अच्छे आदमी हो, शकल से लग रहे हो, और खासकर हरी भाई को भी बोला। अरे बस कर भाई। और भाई यहाँ पर एक दुकान था, अकेला यही है, यहाँ से खाने के लिए तो वैसे हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन प्यास लगा था हमारे राजन भाई को और हरी भाई को, मुझको थोड़ा कम लगा था इसलिए मैं अपने लिए ले लिया पानी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और भाई सीन तो यहाँ का जबरदस्त है, इधर में है समुंदर, इधर में भाई देखो हरियाली पूरा, पेड़ से भी ज्यादा पेड़ यहाँ पे लगा है, क्यों हरी भाई? ये बताओ यहाँ पर आके मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा।
और गाइस हम लोग यार बीच से आ गए हैं भाई, यहाँ पर खूब मस्ती किया हमने। और अभी अब हम चल रहे हैं बीच से बाहर, थोड़ा देखते हैं यहाँ पर बस लेने के लिए क्या सिलसिला है। वैसे तो यहाँ पर बस भाई ट्रांसपोर्ट यार एकदम ईजी है, बहुत तगड़ा पकड़ है भाई ट्रांसपोर्ट का। और अभी चल रहे हैं बाहर, पकड़ते हैं बस और देखते हैं क्या हो सकता है आगे। वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि हमारे हरी भाई कैमरा पर चला रहे हैं। कैमरा बंद कर दे। हरी भाई क्या चाहिए आपको खाने के लिए? कॉफी चाहिए। कॉफी आओ देखते हैं इधर में कौन सा कॉफी है। ये वाला, ये वाला चेटा, ये वाला कितना का है? 20 रुपया दे दो हमारे हरी भाई के लिए कॉफी। लो कोई मिक्सचर है एक ये वाला चेटा। यहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक ले लिया पीने के लिए, हरी भाई के लिए कॉफी खरीदा है। क्या नाम है उसका? कॉफी होगा। गर्मी यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, नाइट में नहीं रुक पाएंगे यार, क्योंकि नाइट में ट्रांसपोर्ट का बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमको यहाँ से जाने के लिए। हरी भाई अगर बोलो आपके लिए चड्ढी ले लूँ, चाहिए बोलो तो अभी ले लूँ, बोलो लेगा चड्ढी चाहिए? और भाई जहाँ पर हमको बस ने ड्रॉप किया था उधर से ही हमको दोबारा बस मिलेगा, और आके अभी उधर ही खड़े हैं। और साथ में एक चेटा भी है चलने वाले, उनसे पूछा तो भाई हमको क्लियर बता दिए यहाँ पर खड़े हो, अभी बस आएगा, आता ही होगा, तब तक के लिए यहाँ पर वेट करते हैं। और भाई अभी तो आकर हम बस में बैठ गए हैं, फिलहाल तो हम खड़े हैं चाऊघाट बस स्टैंड, यहाँ से चलेंगे तिरसुर डायरेक्ट, ये बस जाएगा तिरसुर। और वहाँ से भाई हमको ऑटो करना पड़ा, वो आ रहा था रास्ते से जा रहा था, चालू ऑटो था, उसमें भाई हमने बैठ लिया और 10-10 रुपए एक आदमी का पड़ा। और गाइस फाइनली हम लोग आ गए तिरसुर भाई बस से, अभी यहाँ पर हम लोग लैंड कर रहे हैं और लैंड कर चुके हैं, अभी चल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा शॉपिंग करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है।